नमस्कार साथियों, मैं हूं कुंदन चौरसिया और आप देख रहे हैं रीवा टीवी। दोस्तों, आज मैं हूं मुजफ्फरपुर जिले के कांटी क्षेत्र में छिन्नमस्तिका मंदिर पे। दोस्तों, आप हमारे पीछे ये देख सकते हैं माँ छिन्नमस्तिका देवी मंदिर कांटी मुजफ्फरपुर बिहार लिखा हुआ है। ये मंदिर पूरे देश में काफ़ी फेमस है, काफ़ी चर्चित है। यहाँ इस मंदिर को मनोकामना पूर्ण सिद्धि मंदिर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या राज है, इसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ के पंडितों से बात करेंगे। और साथ ही जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवरात्र शुरू हो चुका है और ऐसे में माता का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुगण बहुत दूर दूर से यहाँ पहुँच रहे हैं। और मुख्य माताओं के मंदिरों में से एक मुख्य मंदिर छिन्नमस्तिका मंदिर कही जाने वाला ये मंदिर है। तो आइए हम मंदिर के अंदर चलते हैं और माता का दर्शन करवाते हैं और यहाँ की जो पौराणिक कथाएं हैं उस पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए हम अंदर चलते हैं और आपको कुछ दिखाने का कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे वाहन की पूजा हो रही है और हम आगे चलते हैं। यहाँ पे लोग अपनी मन्नतों को लेकर के आते हैं और मन्नतें पूर्ण हो जाती है तो उसके लिए पूजा करने आते हैं। एवं प्रकार से जैसे जैसे भक्त होते हैं, जैसा उनका श्रद्धा होता है, वैसे श्रद्धा रूप में वो लोग यहाँ आते हैं और माता का दर्शन प्राप्त करते हैं। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे हवन कुंड बनाई गई है और सामने प्रसाद का दुकान लगा हुआ है, फूल माला का दुकान है और ऊपर में माँ का गर्भगृह है। चलिए हम ऊपर चलते हैं और सबसे पहले आपको हम माता का दर्शन करवाएंगे और फिर आगे की जो भी बातें होंगी हम करेंगे। तो आ जाइए, हम चाहेंगे कैमरामैन बंधु से हम चाहेंगे कि वो ज़रा ऊपर आ जाएं और यहाँ पे दिखाएं। और चारों तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी भक्त है। और आज जैसा कि नवरात्रि शुरू हो चुका है, यहाँ भी एक हवन कुंड बनाया गया है। यहाँ पे जब पूजा होती है, हवन होता है तो यहीं पे किया जाता है। और ऐसा ऐसा हवन कुंड आपको चारों तरफ मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भक्तजन पूजा कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन भाई से कि थोड़ा सा सामने आ जाए और इधर से माता का दिव्य दर्शन भक्तों को करवाएं। छिन्नमस्तिका माता का आप देख सकते हैं दिव्य दर्शन करवाएं और फिर हम इस पे बात करेंगे, इसके कहानी के बारे में जानेंगे। आखिर क्यों छिन्नमस्तिका मंदिर इतना विख्यात है, लोग इस मंदिर पे भरोसा करते हैं, माता का दर्शन करके यहाँ पे मन्नत मांगते हैं, आखिर क्या कहानी है इसके पीछे और क्या रहस्य है इसके पीछे, उससे पहले हम आपको चलिए इसके चारों तरफ घुमाते हैं और फिर आगे की बातों पे हम चर्चा करेंगे। हम चाहेंगे हम अपने कैमरामैन भाई से इधर आ जाएं। आप देखेंगे गर्भगृह के चारों तरफ छोटी छोटी मूर्तियां लगी हुई है जो अन्य भगवान की है। यहाँ पे राधे कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है, वही आप देखेंगे। यहाँ पे नारियल बांधा गया है, वहाँ पे बलि स्थान है। आइए, यहाँ पे एक पंडित जी हमें मिल गए हैं, हम इनसे बात करते हैं। बाबा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नीरज पांडे। अच्छा, इस मंदिर को जो छिन्नमस्तिका मंदिर है इतना विख्यात वर्षों से रहा है, इसके पीछे इसकी सबसे बड़ी क्या कहानी है, इसके बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे? यहाँ जो भी मन्नत लोग नारियल बांध कर जाते हैं, वह कामना लेकर आते हैं, माँ का दर्शन करते हैं, माता जिसको जिस लायक भी अपना कामना मांग करते हैं वो लोग को पूरा होता है। अच्छा, ये मंदिर छिन्नमस्तिका, इस मंदिर का नाम पड़ने का पीछे का कोई विशेष वजह? ये विस्तार में तो हमको ज़्यादा नहीं मालूम है, लेकिन यह जो बाबा बनवाए हैं मंदिर, उनसे आप जा कर के मिल सकते हैं, वो बैठे हुए हैं। कहाँ पे मिलेंगे? ये आगे आप माता का मंदिर है ना, इसी मंदिर के जस्ट बगल में। चलिए, तो हम चल करके विस्तार से इसके बारे में हम जानेंगे। उसके पहले हम आपको दिखा दें कि यहाँ पे बलि स्थान है, यहाँ पे अंदर में नारियल तोड़ा जाता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में नारियल बांधा गया है। मतलब कहा जाता है कि अगर आप कोई मन्नत लेकर के आते हैं, अगर यहाँ पे नारियल वो बांध देते हैं तो आपकी मन्नत पूर्ण हो जाती है, ऐसा यहाँ पे कहा जाता है और ऐसा रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया है। सामने आप देखेंगे, हमारे पास आएंगे तो यहाँ पे महादेव का शिवलिंग लगा हुआ है जो काफ़ी आकर्षक है। आप आएंगे तो दर्शन यहाँ भी ज़रूर करें, पूजन पाठ ज़रूर करें।
लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और अभी मैं बता दूं कि जैसा कि नवरात्रि का आज पहला दिन जो कलश स्थापन का दिन होता है वो दिन है, और अभी का समय संध्या हो चुका है और अभी भी भक्त आ रहे हैं। अगर अमूमन देखा जाए तो पूरे दिन होल डे लगभग हजारों की संख्या में भक्त जन आते हैं और माता का दर्शन करते हैं। तो चलिए हम नीचे चलते हैं और इसके पीछे की कहानी को जानने का कोशिश करते हैं। आ जाइए, पहले हम इनसे परिचय जानते हैं। सर आपका परिचय? मेरा नाम है मुकेश प्रियदर्शी, माँ छिन्नमस्तिका देवी मंदिर में हैं हम लोग, माँ के दरबार में सेवा व्यवस्था देखने का काम हम लोग का है। अच्छा, जैसा कि देखा गया है अब तक छिन्नमस्तिका मंदिर को मनोकामना मंदिर के नाम से भी जाना जाता है कि यहाँ से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, तो इसके पीछे का क्या रहस्य है इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, माँ का जो यह स्थान है यह सिद्ध पीठ के रूप में महात्मा आनंद प्रियदर्शी जो यहाँ माता रानी के दरबार के संस्थापक हैं उनके द्वारा यह सिद्ध पीठ के रूप में स्थापित स्थान है। जो स्थान किसी संत के द्वारा निर्मित होता है उनकी शक्ति माता रानी का कृपा सब एक साथ उस समय काम करता है, तो बहुत ही ये जागृत स्थल है। माता रानी का जो ये स्थापित स्थान है अपने आप में बहुत ही सिद्ध और जागृत स्थल है, और जो भी माता रानी के भक्त दरबार में आते हैं माता रानी से कामना करके यहाँ मन्नत बांधते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है। छिन्नमस्तिका इस नाम से कुछ, ये नाम कुछ कहना चाहता है खुद में अगर देखा जाए तो, ये छिन्नमस्तिका मंदिर, ये छिन्नमस्तिका नाम पड़ने के पीछे का कुछ कहानी है या फिर कोई कारण? देखिए, माँ का जो ये स्वरूप है ये 10 महाविद्या के अंतर्गत आता है। आप लोग गाते हैं आरती में सुनते हैं कि 10 विद्या नव दुर्गा, तो ये माँ का जो स्वरूप है काली तारा सोरसी भुवनेश्वरी बगलामुखी धूमावती माँ छिन्नमस्तिका, ये 10 महाविद्या के अंतर्गत ही देवी आती हैं। और छिन्नमस्तिका जैसा नाम से ही आप दर्शन किए होंगे जा करके, ये अपना सर काट करके स्वयं हाथ में लिए हुए हैं और 3 धाराएं निकल रही है जिसमें एक धारा स्वयं अपने मुख में प्रवाहित हो रहा है उनका, जिससे वो जीवित भी हैं, और अपने 2 धाराओं से साथ में जो दोनों सहचरियाँ हैं उनको भी अपना ही खून पिला करके वो जीवित किए हुए हैं। भक्तों से इस पावन नवरात्रि के समय में छिन्नमस्तिका मंदिर से कोई संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, संदेश साफ है, माँ का जो ये स्वरूप है शक्ति का स्वरूप है, तो सभी के अंदर अच्छाई की शक्ति बढ़े और जो बुराइयाँ हैं वो अच्छाई बढ़ने से निकल करके बाहर भागे, ताकि सारे लोग जो हैं माता रानी के भक्त या सभी लोग जो अपने देश में हैं या अपने स्थान में हैं बगल में हैं सबके अंदर अच्छाई प्रकट हो और लोगों में आपस में प्रेम भाव सद्भावना बढ़े, ताकि सब लोग सुख शांति से आपस में अपना जीवन यापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आपने अभी सुना छिन्नमस्तिका मंदिर के पीछे का जो भी रहस्य था, जो भी सवाल आपके मन में उठते थे उन सवालों का जवाब पुजारी ने दिए, और फिर हम मिलेंगे आपको नए मंदिर के साथ। और फिलहाल छिन्नमस्तिका माता का दर्शन करके आपको कैसा लगा ये हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर साझा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।